टीम इंडिया की 19 सितंबर से शुरू होने वाली बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले दलीप ट्रॉफी का पहला राउंड जारी है, जिसमें कई युवा भारतीय बल्लेबाज दमदार प्रदर्शन से टेस्ट टीम इंडिया में जगह बनाना चाहते हैं। इसी दौरान दलीप ट्रॉफी के दूसरे दिन इंडिया सी और इंडिया डी के मैच में एक फैन ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वैसा ही किया जैसा अक्सर आईपीएल के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के साथ होता आया है। फैन ने स्टैंड्स का सुरक्षा घेरा तोड़ा और गायकवाड़ के पैर छुए। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई। दरअसल श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी की टीम पहली पारी में 164 रन पर ढेर हो गई थी। इसके जवाब में अनंतपुर के मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी भी कुछ खास नहीं कर पाई और वो 168 रन ही बना पाई। इसके बाद गायकवाड़ जब दूसरी पारी के दौरान दूसरे दिन मैदान में फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक फैन स्टैंड से सीधा मैदान में आया और गायकवाड़ के पैरों में गिर गया। गायकवाड़ ने फिर फैन को उठाया और उससे हाथ भी मिलाया। इसके बाद गार्ड आकर फैन को मैदान से बाहर ले गए, जिससे थोड़े समय के लिए मैच रुका रहा। गायकवाड़ के पैर छूने वाली घटना को फैंस महेंद्र सिंह धोनी से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैन का मानना है कि उनके साथ ऐसा होना दर्शाता है कि सीएसके में उनके एरा की शुरुआत हो चुकी है, जिससे सीएसके के फैन धोनी के बाद अब उनके प्रति प्यार दिखा रहे हैं। वहीं मैच की बात करें तो इंडिया डी के लिए दूसरी पारी में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 44 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के से 54 रन की पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिगल ने भी 70 गेंदों में 8 चौके से 56 रन बनाए। इसके अलावा रिकी भुई ने 91 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के से 44 रन की पारी खेली, जिससे इंडिया डी ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना लिए थे और उससे 202 रनों की बढ़त बना ली थी। अब इंडिया सी जल्द से जल्द बाकी 2 विकेट लेकर इंडिया डी से मिलने वाले लक्ष्य को हासिल करके मैच अपने नाम करना चाहेगी। पर सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो ऋतुराज गायकवाड़ का वायरल हुआ, लोग उसे धोनी से कंपेयर करने लगे। हालांकि कंपैरिजन बिल्कुल भी सही नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ का एरा शुरू हो चुका है और एमएस धोनी के बाद अब ऋतुराज गायकवाड़ को वो फैन फॉलोइंग मिलने वाली है। इसका जवाब है जी नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा नाम ही महेंद्र सिंह धोनी है और जब महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे तो फिर वो फैन फॉलोइंग सीएसके फिर से नहीं कमा पाएगी, क्योंकि अभी उस टीम में ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है जो इतना एस्टैब्लिश्ड हो जितना एमएस धोनी है। रही बात ऋतुराज गायकवाड़ के पैर पड़ने की, तो आजकल ये सिलसिला बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि आजकल फैंस आसानी से सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं और किसी भी प्लेयर के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप में हमने देखा हो, रोहित के साथ हुआ, विराट के साथ हुआ, एम एस धोनी के साथ, आईपीएल में अक्सर ये चीज़ होती रहती है, ऋषभ पंत के साथ भी बीच में ये चीज़ हो चुकी है और इस तरह की चीज़ें आजकल बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, तो इसको बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये मान सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत कुछ छोटी सी उम्र में अर्न कर लिया है थ्रू आईपीएल, बट अभी भी उनका करियर बहुत लंबा बाकी है और अभी भी इंडिया की तरफ से वो अपनी छाप पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाए हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही कॉमन है और इसको फैन बिल्कुल भी महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर ना करें, क्योंकि एमएस धोनी का एरा बिल्कुल ही अलग है और ऋतुराज गायकवाड़ का एरा अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है।